क्या है और आज मैं इवनिंग से मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज देखिए मेरा हेयर पे बहुत ऑयल लगाई थी मैंने, कल मैं करूँगी शैम्पू, इसीलिए मैंने ऑयल किया तो इसीलिए ऐसा लग रहा है मुझे। और अभी हो रहा है इवनिंग का समय और इवनिंग का बज रहा है 6:30। और आज ये साल का पहली बार हमारे घर पर ताल लाई हूँ मैं खरीद के, तो आज ताल से 2 स्वीट आइटम मैं बनाने वाली हूँ। मैं और मेरे साथ सास मेरा हेल्प करेगा, तो इसलिए आप लोगों के साथ मैं वो ही शेयर करूँगी। होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगेगा और अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दिखाते मैं ताल से कैसे रस निकालती हूँ, रस निकालने के बाद कैसे प्रिपेयर करती हूँ वो सारा स्वीट्स आइटम, तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए ताल को मेरे सास ने पानी पे भिगो के रख दिया था 1 घंटा के लिए, और उसके बाद पानी से उठा के मैं अब करूँगी इसका जूस निकालूँगी। जूस ऐसे हम मैं निकालती हूँ, देखिए कितना अच्छा जूस निकल रहा है। और दूसरे साइड पे मैं और जूस निकाल के रखी हूँ। पहले जो मीठा आइटम मैं बनाने वाली हूँ वो मेरा सास मुझे प्रिपेयर करके दे रहा है। ये इधर पे है राइस फ्लावर 2 कप, मैदा और थोड़ा सा 1/2 कप, और है ताल का पल्प जो मैंने निकाल के रखा था, और चीनी एक साथ में मिला के अब हम कल सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला ले रहे हैं। मेरे सास मुझे प्रिपेयर करके दे रहा है, तो अभी देखिए कैसे करके केला पत्ता में ये जो बैटर है उसको डाल रहे हैं। और अभी मैं इसको तवे पे सेकने वाली हूँ। इस तरह से ये इस तरह से मुझे रेडी करके दिया था मेरे सास ने, बाद में मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इस तरह से देके अब मैं इसको तवा मैंने बैठा लिया है गर्म होने के लिए, अब मैं देने वाली हूँ ये। तो देखिए ऐसा करके ये पूरा एकदम ऊपर से एकदम जल गया। जलने के बाद मैं इसको उठा के रख रही हूँ, जलने का मतलब है तो ये हो गया ऑलमोस्ट अच्छे से भीतर से पक गया, तो अभी फिर उठा के रख रही हूँ बॉयल में। इसके बाद गरम गरम रहते ही जो केला का पत्ता मैं दिया था वो निकाल के रखना पड़ेगा। मैंने देखिए खोल के रख दिया तो कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में भी इतना ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है ये, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो
अभी मैं बनाने वाली हूँ दूसरा एक स्वीट्स आइटम। इसके लिए देखिए इधर चावल का आटा, मैदा और चीनी एक क्वांटिटी में इसको अच्छे से मिला ले रहे हैं। और तो ताल ये का बैटर जितना अच्छे से मिलाने के बाद उतना अच्छा ही टेस्टी होगा। तो ये बैटर हो गया, अभी मैं तेल बैठा दिया हूँ। अभी ये तेल के अंदर मैं देने वाली हूँ, देखिए मैं किस तरह से दे रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा बना था और देखिए कितना फुला फुला हो रहा है। तो देखिए मेरा जो ये बंगाली में तालपुआ बोलते हैं, ताल के पल्प से बनता है तो इसीलिए तालपुआ। तो ये हो गया है, सारा हो गया है, तो बहुत अच्छा बना है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करते जाइएगा प्लीज़। और जो जो मेरे चैनल पे नए आए हो मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। और आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ आज, तो चलिए दिखाते हैं। तो हे एवरीवन, देखिए मेरा एक चीज़ आया है, आप लोग प्लीज़ गेस करके बताना ये क्या है। तो ये क्या है आप लोग देखना चाहते हो तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग कमेंट करके प्लीज़ गेस करके बताना ये क्या है। तो देखिए ऊपर से नीच तक, तो ये बहुत बड़ा पार्सल आया है। तो ये क्या है आप लोग प्लीज़ गेस करके बताना, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है आप लोग गेस करके बता सकते हो, या तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ दूसरा वीडियो।